आपके एनसीईआरटी मैंने पहले ही कहा कि एक ही हेडिंग है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में समझने के लिए हमने फिर दोबारा लिखा और इसमें कुछ ज्यादा लिखा भी नहीं, बहुत छोटी छोटी सी बात है, कुछ माइलस्टोन से लिखे हैं वो आपको याद करना। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक शब्द बोला था कि जो हमारे पास एम्ब्रियो था या जो सेल्स थे उसको दो हिस्सों में बांट रहे थे, एक को नाम दिया था आपने ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और दूसरे का नाम दिया था इनर सेल मास। तो अभी तक जब आप प्लेसेंटा पढ़ रहे थे तब आपने ट्रोफोब्लास्ट पर फोकस किया था, कहा था भैया यही ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा या मैं सीधे कह दूं प्लेसेंटा बनाएगा। अगर हम आपको ये सिखा पाए कि ट्रोफोब्लास्ट इन्वॉल्व हुआ प्लेसेंटा बनाने में, तो ट्रोफो का मतलब नरिशमेंट, तो नरिशमेंट करता है। लेकिन ये भी कहा था जो इनर सेल मास है ये आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, पढ़ाना नहीं है इनको, बस खाली ऐसे लाइन इस्तेमाल दोबारा कर कि जो हमारी इनर सेल मास है वो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। कैसे? इस इनर सेल मास में स्टेम सेल्स पाई जाती, स्टेम सेल्स, स्टेम सेल शब्द हमेशा उसके लिए कहते हैं जो टोटीपोटेंट, अनडिफरेंशिएटेड टोटीपोटेंट सेल को लोग स्टेम सेल कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल जो आगे चल के किसी भी टिश्यू, किसी भी सेल और किसी भी ऑर्गन में तब्दील हो सके, टोटीपोटेंसी तो जानते हैं ना, टोटीपोटेंसी एक ऐसा फिनोमेना है जिससे वो सेल कैपेबल होती है संपूर्ण ऑर्गेनिज्म बनाने। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं स्टेम सेल, इस स्टेम सेल का मतलब होता है दैट इज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विच आर कैपेबल टू फॉर्म एनी टिश्यू पब्लिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी वो ऐसी सेल हैं कि अगर उसको लेके चले आए, जैसे सपोज करिए मैं ही अपनी माँ के फॉर्म में था, अंदर था, और मैं इनर सेल मास था, उसमें जो स्टेम सेल्स थी उसमें से 10 स्टेम सेल आप निकाल रहे हैं तो 10 कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। ये मैं कह रहा हूं, जब कभी आप क्लोनिंग कल्चर कभी इसके बारे में सुनेंगे तो ये यहीं से शुरू होती है। क्लोनिंग कल्चर उसकी शर्त है क्लोनिंग करने के लिए कि हमारी सेल टोटीपोटेंट होना चाहिए। बस मैं टोटीपोटेंट शब्द इस्तेमाल नहीं करता, कर दूंगा तो आप बताओगे सर हमारे पास है टोटीपोटेंसी, जबकि हम कहते हैं हमारे पास नहीं है, सिर्फ वो स्टेज है जिस स्टेज में आप थे बस उसी समय दिया हुआ नहीं है कोई टोटीपोटेंट। अब आप सोचे यहां से एक सेल निकाल लेंगे और हम बना देंगे दूसरा कमलेश, यहां से नहीं बनेगा, तो इस समय ये सेल्स पाई जाती। तो ये एक नाम आपको चाहिए था स्टेम सेल का, डिटेल ज्यादा नहीं। अब इसमें एक लाइन और लिखी हुई कि हमारी जो इनर सेल मास थी इट विल ट्राई टू डिफरेंशिएट, ये ग्रो करेगी, डिफरेंशिएट करेगी, कैसे करेगी, आगे बढ़ती जाएगी। आपने याद करिए इनर सेल मास ब्लास्टुला में बनाया था, गैस्ट्रुला स्टेज आई, लेकिन गैस्ट्रुला नाम एनसीईआरटी ने नहीं दिया, इसने कहा जो हमारी इनर सेल मास होगी इट विल डिफरेंशिएट इनटू थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्स, तीन प्रकार की सेल्स में ये डिफरेंशिएट हो जाएगी। एक कहलाएगी एक्टोडर्म, एक कहलाएगी मेसोडर्म और एक कहलाएगी एंडोडर्म। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन टिश्यू हैं वो इन्हीं तीन से बने, जैसे आप कहते हो नर्वस टिश्यू की ऑरिजिन एक्टोडर्मल है तो वो इनसे बनी, अगर आप कहते हो हमारा कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल है तो इनसे बनी, कहते हो लीवर हमारा एंडोडर्म है तो इनसे बनी, तो सब स्टेम सेल है तभी तो तीन हिस्सों में डिफरेंशिएट होगी। जैसे ही तीन हिस्सों में डिफरेंशिएट होगी इस अवस्था को हम गैस्ट्रुला कहते हैं, बट ये शब्द आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि हम सिर्फ ब्लास्टुला तक पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखी है
कि इनर सेल्फ सबसे पहले अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, तीन प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन्हीं से आगे चल के फर्दर आपके शरीर के अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे जो जो आपके शरीर के टिश्यू होंगे आइदर एक्टोडर्मल, आइदर मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोले नर्वस टिश्यू, हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो एक्टोडर्म, तो जितना भी आपका न्यूरल सिस्टम है वो इनसे बनेगा। मेसोडर्मल में एक एग्जांपल लिखी हूं मैं, कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड वो इनसे बने। इसमें एक एग्जांपल लिख दूं लिवर, तो जो भी आप शरीर का टिश्यू या ऑर्गन बोलोगे मैं बता दूंगा वो उसकी ऑरिजिन इससे होगी या इससे। बस ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इतनी बात करी है। ये तो मैंने कहा था खाली ग्लास को लाता था भैया जाग जाओ सो रहे हो, हेलो अब इसे सो रहे हो गिर जाओगे या तो अंदर किसको और अंदर किसको, हाँ अब सो गए और अंदर किसको, अब सो गए तो गिरोगे नहीं। हमारे पास जो इनर सेल मास था उसमें आपने कहा कि उससे एम्ब्रियो बनेगा, बस इतनी बात कहने के लिए उन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा सर इस इनर सेल मास के पास स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जिनसे किसी भी प्रकार का टिश्यू या ऑर्गन बना सकते हैं। लुक दिस एग्जांपल, यही इनर सेल मास जो 10 20 30 40 थी वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती, भैया तुम एक्टोडर्म तुम मेसोडर्म तुम एंडोडर्म। अब उसके बाद जो टिश्यू इनसे बने इनसे बने इनसे बने वैसे हमने एग्जांपल लिख दिए, आगे कैसे होता है डेवलपमेंट वो आपके सिलेबस में नहीं। ये मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक दूसरा हिस्सा इन्होंने सिलेबस में घुसे डाल दिया, डेवलपमेंट का प्रोसीजर नहीं है आपके पास लेकिन डेवलपमेंट के माइलस्टोन आपके सिलेबस में। तो मैंने हेडिंग उसको अलग डाल दी है और उसका नाम दिया है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस उस पैराग्राफ में इन्होंने जो लिखा है उसको मैंने हेडिंग बना दिया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, यानी हमारी डेवलपमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सिखाई जाएगी कि किस महीने पे क्या बनता है, इसी को माइलस्टोन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात करें हम, अगर हम ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो पूरी एम्ब्रियोनिक लाइफ को पढ़ लीजिए, यहां से लेकर यहां तक अगर हम बोले 9 महीने हैं, 0 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 9 महीने लगभग हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, तो उसको तीन हिस्सों में बांटा, तीन तीन महीने का पीरियड है, 6 मंथ 9 मंथ, इसको हम लोग ट्राइमेस्टर कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने का। अक्सर ये हमारी इस टॉपिक में इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दिस इज द ट्राइमेस्टर। तो अभी जब मैं लिखूं ट्राइमेस्टर तो आप समझ पाइएगा कि हम कह क्या है। दूसरा एक शब्द और ये सीख लीजिए, शुरू में 2 से 2.5 महीने तक का लगभग समय, 2 से 2.5 इस समय तक आप एम्ब्रियो कहते हैं, ये वाला पीरियड एम्ब्रियो कहलाता है। इस 2.5 महीने से लेकर लास्ट तक का जब तक आप पैदा ना हो जाएं तब तक आप फीटस कहलाते हैं। इसके कई बच्चे फीटस और एम्ब्रियो में अंतर ही नहीं जानते, एम्ब्रियोनिक पीरियड पूरा है लेकिन एम्ब्रियोनिक पीरियड और एम्ब्रियो में अंतर है। शुरू के 2-2.5 महीने आप एम्ब्रियो कहलाते हैं, जब आप में ऑर्गन बनने लगता है न्यूरला, ऑर्गेनोजेनेसिस होने लगती है तब आप फीटस कहलाने लगते हैं। तो इसे पढ़ लीजिएगा, कभी कभी लोग एम्ब्रियो लिख देते हैं कभी फीटस लिख देते हैं, तो उनमें कुछ अंतर है। अब अपने टॉपिक पे आ जाइए, हमें ऑर्गन बताने हैं कि कब कौन सा ऑर्गन बनता है। तो सबसे पहली बात की गई है एट द एंड ऑफ 1 मंथ, एट द एंड ऑफ 4 वीक कह लीजिए ये भी चलेगा, या 1 मंथ कह लीजिए ये भी चलेगा। शब्द लिखा जाता है हार्ट फॉर्म्स, आपका दिल बन जाता है।
यानी दिल और दिमाग में पहले क्या बना? दिल। इसे लोग कहते हैं कि दिल को सर्वोपरि रखिए, दिमाग को उसके नीचे रखिए। ऐसा लोगों ने बताया, हम नहीं बता। ये चार हफ्ते में बन जाता है जैसे, लेकिन दिल की धड़कन नहीं सुनी। दिल की धड़कन तकरीबन 6 हफ्ते में सुनाई देती, और उसी दिल की धड़कन को सुन करके हम बच्चे की ग्रोथ का अंदाजा लगाते हैं। जब बच्चा पेट में होता है तो बार बार डॉक्टर को वो महिला चेक करानी जाती है, क्योंकि डॉक्टर के पास इंस्ट्रूमेंट है, अनुभव है। वो पेट टटोल के स्टेथोस्कोप से या और आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी ग्रोथ का अंदाजा बाहर से लगा सकते हैं। तो फीटल ग्रोथ जो है वो हम इसी से डिटेक्ट कर पाते हैं, हार्ट साउंड से। लेकिन ये मत कह दे वो डेटा है नहीं, आप 6 हफ्ते से हार्ट बीट सुनाई देती है। तो पॉइंट इज फीटल ग्रोथ, असेस की जाती है, असेस्ड बाय फीटल हार्ट साउंड, हार्ट साउंड बाय स्टेथोस्कोप। ये लाइन जब अस्थि हमने जोड़ दी, इसलिए जोड़ दी कि बच्चे को दिमाग में ये लगता है कि हम हार्ट की बात क्यों कर रहे हैं, कैसे हमको पता चल जाता है। वैसे तो बहुत सारे और मेथड अल्ट्रासाउंड वगैरह करा सकते हैं, कि रोज थोड़ी ना अल्ट्रासाउंड कराओगे आप तो वो, लेकिन डॉक्टर को तो आप कभी भी दिखा सकते हो। तो वो हाथ से टटोल के अपने स्टेथोस्कोप से बच्चे की ग्रोथ का अंदाजा लगा लेती है। अगर उसको एवरीथिंग इज ओके तो कहती घर जाओ, अगर कुछ डिस्कम्फर्ट दिखता है तो कहती अब आप अल्ट्रासाउंड करा। तो अमा का पॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही हुआ कि 4 हफ्ते पे हार्ट बनना शुरू होता है। पहला ऑर्गन है जो आपका बनता है आपके शरीर में। दूसरा सवाल आपके पास यहाँ पर, दैट इज एट द एंड ऑफ, ये डेटा याद करने पड़ेंगे भैया, 8 वीक, 8 हफ्ते, जैसे आप चाहें तो 2 महीना समझ लें रफली। इस समय क्या होता है, इस समय आपके पास लिंब एंड डिजिट्स, हाथ पांव बन जाते हैं और छोटी छोटी उंगलियां बन जाती, ऐसा किताब में लिखा। लेकिन यह मैं समझिए हाथ पांव बन जाते हैं तो चलने लगते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा। हाथ पांव बन जाते हैं, उसे भी सीखना है। तो सर भैया इस समय इसकी जो लेंथ होती है बच्चे की, जो साइज होता है, लेंथ मत लिखिए, वो देख लीजिए। बच्चे का साइज उस समय होता है 1 सेंटीमीटर का। कुल जो बच्चा होता है 2 महीने पे इतना बड़ा हो जाए, 1 सेंटीमीटर। अगर आप उसकी शक्ल देखना चाहते हैं कि सर दिखाओ कैसा होता है, तो लगभग 1 सेंटीमीटर यही होगा। इसी में आप अपने लिंब बना लो, ऐसे दिखते हो। और यही वो अवस्था है जिस समय आप पहचान पाते हैं कि इंसान का बच्चा। 6 हफ्ते का बच्चा एम्ब्रियो आपको हाथ में रख दें, आप नहीं बता पाओगे कुत्ते का बच्चा, घोड़े का बच्चा या इंसान का बच्चा, क्योंकि अब ये शेप लेना शुरू करता है, हाथ पांव निकलना।